हमारा एक जन्म माँ से होता है और एक जन्म विपस्सना से होता है, बस इसी चीज को द्विज कहते हैं। विपस्सना साधना के बारे में मैंने अपने घर लोग के लोगों से सुना था और उन सभी में मैंने एक बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशहाल चेंज देखा है उनके बिहेवियर पैटर्न्स में, और इस वजह से हमारे घर के एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं हमेशा। तो जानने का मन हुआ, इच्छा हुई कि भाई क्या है ऐसा, आप मुझे भी बताइए, मैं भी करके देखती हूँ। लेकिन सब ने यही कहा कि विपस्सना एक ऐसी साधना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको शब्दों में ढालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस चीज़ को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही एक इंसान अपने अंदर वो चेंजेस लेके आ सकता है। बता भी देंगे, लेक्चर दे देंगे, किताबें दे देंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेस्ट तरीका इस चीज़ का यही है कि जो साधना है, जो प्रोसेस है, उस चीज़ को खुद ही एक्सपीरियंस किया जाए। और मैंने अभी रिसेंटली ही एक विपस्सना शिविर के लिए रजिस्टर किया था, तो मैं आज ही अपना शिविर ख़त्म करके आई हूँ। विपस्सना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी साधना है। वो विपस्सना साधना इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। दैट इज़ हाउ आई विल डिस्क्राइब इट इन माई एक्सपीरियंस। इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग लाइफ बिकॉज आपको ये साधना करके, सीख के अपने आप ही पता लगेगा कि आप आज तक जिस तरह से सांस लेते आए हैं या जिस तरह से जीते आए हैं, अपना जीवन आप काट रहे हो, वो एक तरह से सही तरीका ही नहीं है। आप कुछ और ही करते आए हो, आप अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे हो, आप बस अपना वक्त काट रहे हो कि भाई 100 साल की अगर ह्यूमन लाइफ है तो बस वो 100 साल कटेंगे और हम फिर मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा सब। विपस्सना साधना का जो प्रोसेस है वो एक बहुत पॉजिटिव, बहुत ही हैप्पी और बहुत ही काम फीलिंग लेके आता है किसी भी इंसान के अंदर। विपस्सना एक्चुअली में जो तरीका है, जो वो करने को कह रहे हैं उसके अंदर, जो भी बताया जाता है हमको, वो सब कुछ नेचुरल ही है। कुछ ऐसा नहीं है अननेचुरल करने को बोल रहे हैं, कोई कर्मकांड या कुछ ऐसी आपको अलग प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ता कि वो आउट ऑफ द वे हो जाए या आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, ना फिजिकली ना मेंटली, कुछ नहीं। बहुत सिंपली आप जैसे अभी अपने घर में या कहीं पे बैठे हो वैसे ही आपको वहाँ पे भी बैठना है, और जो वो आपको प्रोसेस स्टेप वाइज बताते जाएंगे हर दिन के हिसाब से, बस आपको वो फॉलो करते जाना है और आपको विपस्सना आ जाएगी। विपस्सना बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, इसलिए क्योंकि ह्यूमंस के अंदर दो तरह का माइंड होता है, दो तरह के चित्त होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। और इन दोनों के बीच में, ह्यूमंस में, एक बहुत ही मोटी परत जमी हुई होती है जो हम नॉर्मली नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसा लगता है कि अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं या किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो वो हमें लगता है कि इससे मैंने प्यार करा तो मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ या ये बहुत चहेता है, और ऐसा लगा किसी पे गुस्सा करके कि अरे ये बहुत ही बुरा है, ये बिल्कुल बेकार है और हमें कि बिल्कुल पसंद नहीं है, इनसे कभी नहीं दोबारा रिलेशन में आना। लेकिन ये छोटा जो मोमेंटरी एक हमारे दिमाग का एक्सपीरियंस होता है कि इससे प्यार या इससे गुस्सा या इससे इरिटेशन जो भी हुआ, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में रहेगा एक दिन दो घंटे कभी भी, उसके बाद तो वो वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है, वो वहाँ से चला जाता है कि भूल जाते हैं उसके बाद। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये चीज़ बहुत गहरी एक बीज की तरह, एक सैपलिंग की तरह जाके बस जाती है। और जब एक बीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बस जाता है तो वो एक बीज पहले तो एक पौधे में बड़ा होगा और फिर एक पेड़ बनाएगा, फिर वो फल देगा और फिर उसके और 100 बीज निकलेंगे आके। तो इस तरह से विपस्सना जो साधना है वो बेसिकली हमें एज ह्यूमंस अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाना सिखाती है। वो हमें एक विपस्सना बेसिकली एक सेल्फ रियलाइजेशन,
सेल्फ डायग्नोसिस की टेक्निक है कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं डेली लाइफ सिचुएशंस के अंदर और उस एक्सपीरियंस के बाद हमारे दिमाग ने जो रिएक्शन हमें दिया है, क्या वो रिएक्शन उस चीज़ के लिए वर्थ इट है, क्या ये ज़रूरी है कि हम उस चीज़ के लिए राग पैदा करें या द्वेष या क्रोध या कुछ भी एंजाइटी, कुछ भी पैनिक, डर, भय, कुछ भी हम उस चीज़ के लिए पैदा करना, क्या ये वर्थ है, या हम इस चीज़ को एज ए न्यूट्रल बीइंग, एज अ पर्सन ऑफ कॉन्शियसनेस देख सकते हैं कि अगर किसी ने हमसे बुरा कहा है या किसी ने हमसे बहुत अच्छा कहा है तो हम उस बुरे कहने के बारे, जो हमसे बुरा कह रहा है तो हम उस पर एकदम से झल्ला पड़े, गाली गलौज करने दें तो वो हमारे मन को शांत करेगा, या हमसे कोई अच्छा कह रहा है तो हम एकदम खुशी से झूम उठे, 9th क्लाउड पर चढ़ के बैठ जाएं तो वो हमें, हमारे दिल को खुशी देगा। इनमें से दोनों ही चीज़ें हमारे मन को खुशी नहीं देंगी, दोनों ही चीज़ें हमारे मन को विचलित कर देंगी, हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाएंगे, हम हमेशा ऐसे रहेंगे कि अगर किसी ने अच्छा बोला है तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा उस चीज़ के, उस चीज़ को लेके एक बहुत बड़ी मैं आ जाएगी उस चीज़ को लेके। वरना अगर किसी ने बुरा बोला तो या तो हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाएगा उस चीज़ को लेके, हम नफरत बैठा लेंगे मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस इंसान को लेके, या फिर अगर हम उसकी बात मान गए तो डिप्रेशन बैठा लेंगे। इन दी एंड अगर रिजल्ट देखा जाए तो किसी भी रिएक्शन का रिजल्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे लिए बुरा ही होगा, व्याकुलता से ही भरा होगा हमारे लिए, हम एकदम एजिटेटेड, एकदम पैनिक्ड रहेंगे, हम एट पीस नहीं होंगे, हमें शांति नहीं होगी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई भी हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा एक चीज़ पे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी लाइफ में। स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो विपस्सना हमें लाके देती है। बुद्ध ने विपस्सना साधना इस दुनिया में दोबारा लेके आए, वो 2 से 2500 साल पहले मेरे ख्याल से। हम काफ़ी लकी हैं कि हमारी ही कंट्री भारत में ही बुद्ध इस विज्ञान, इस टेक्निक को, बेसिकली ज़िंदगी जीने के इस तरीके को दोबारा उभार के लेके गए आए, बहुत मेहनत से, अकेले अपने बल पे खुद लेके आए। तो ये एक्चुअली ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा ऋण है जो हम कभी चुका नहीं सकते शायद उनके लिए। और मैं पर्सनली काफ़ी क्यूरियस थी इस चीज़ को लेके और काफ़ी आभार फील करती हूँ मैं बुद्ध के लिए, कि क्योंकि उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाल लाया है, वो एक बहुत पुरानी, बहुत ही पुरानी साधना निकाल के लिया है जिससे कि हम अच्छे इंसान बन सकते हैं इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, जो कहते हैं ना कि वी विल मेक अ बेटर वर्ल्ड टुगेदर। विपस्सना साधना में ये बहुत बड़ी शक्ति है कि वो इंसान को सिर्फ ऊपरी ऊपरी तरीके से नहीं, अंदर से बदल के रख देती है, वो एक इंसान को अपना असली चेहरा दिखा देती है। खुद ही एक इंसान आईने में अपने आप को देख के हैरान परेशान हो जाता है कि अच्छा, मैं अभी तक जो करता आया था वो ये था और मैं कितने गलत तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता आया हूँ। और इस चीज़ को देखने के बाद हर इंसान, चाहे जैसा भी हो, बुरा हो, भला हो, कैसा भी इंसान हो, वो बदलना ही, और पॉजिटिव के लिए इनफैक्ट बदलता ही है वो अपने आप को देख के। तो ऑफ कोर्स हम बुद्ध के लिए सबके सब इस चीज़ को लेके काफ़ी ऋणी हैं। लेकिन विपस्सना साधना का एक फ़ायदा सिर्फ तभी हो पाएगा जब सभी लोग जाके, जितने ज़्यादा लोग जाके इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। वरना सिर्फ बातें करेंगे या लेक्चर हॉल्स में डिस्कशन किया जाएगा इसको लेके, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। विपस्सना साधना वो है ही, अपने आप में ही टेक्निक ऐसी है कि वो आपको लाभ ही तब देगी जब आप उसे करोगे। बिना करे, सिर्फ पढ़ के, सिर्फ चिंतन मनन करके आप नहीं इस चीज़ को सीख पाओगे या समझ पाओगे। एक बार को आप पढ़ के बहुत सारे शब्द सीख लोगे, अपनी शब्दावली बना लोगे इस चीज़ को लेके, ताकि जब आप पब्लिक में बोलो तो आपको लगे कि हाँ, इनको पता है कि क्या होती है विपस्सना। लेकिन जो इंसान एक असली विपस्सी होगा, उसके चेहरे से ही एक ऐसा रोशनी, एक ऐसा नूर आएगा कि दूर से देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस इंसान ने विपस्सना करी है, इसके मन की शांति उसके चेहरे पे, उसके व्यवहार में हर जगह रिफ्लेक्ट करेगी। तो विपस्सना हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, इट कैन चेंज अ पर्सन, इट कैन चेंज आर फैमिली फॉर द बेटर, इट विल चेंज आर कंट्री
एंड इट कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर द बेटर. एंड आई एडवाइज एवरी वन कि सबके सब जाके जितनी जल्दी हो सके, बड़े बूढ़े जवान बच्चे जो भी जाके इस साधना को जितनी जल्दी सीख सकते हैं वो सीखें. और विपसना साधना मैं तो अभी करके आई हूँ और दोबारा करने का मन कर रहा है आते ही, लेकिन क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन है 6 मंथ्स की तो इंस्टेंटली जा नहीं सकते. बट आई एम डेफिनेटली श्योर दैट आई एम गोइंग टू गो अगेन एंड ट्राई टू गेट अ न्यू एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट. थैंक यू.